मैंने आप सुन लिया मंत्र, सीधा मंत्र है और सबसे सरल मंत्र है ये सावन मंत्र, और अपने आप में पूर्ण शुद्ध मंत्र है, अद्भुत मंत्र है। गोरक्षनाथ आवाम सिद्धयामी, मत्स्यनाथ आवायामी सिद्धयामी, पूर्ण चैतन्य महालक्ष्मी आवायामी सिद्धयामी, ऐश्वरी महालक्ष्मी आवायामी सिद्धयामी, तत्रादि भुवनेश्वरी महालक्ष्मी आवायामी सिद्धयामी नमः। अब मंत्र बोल रहा हूं आप मेरे सामने, मंत्र उच्चारण करेंगे। बोले ओम ईम, ई के ऊपर बिंदी है जाने का, ई म कहलाती है, ईम इली 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 फट, ओम ईम इली 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 फट, ओम ईम इली 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 फट। अब करना क्या है, ये 24 घंटों में कभी भी आप इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। एक बात, ये गुटिका तो आप फेंक देंगे, ये माला पहनी हुई होगी, जब ये साधना करेंगे तब ये माला पहनी हुई होनी चाहिए। ये 24 घंटे पहनी रख सकते हैं या 12 घंटे दिन को पहनी रख सकते हैं, या कम से कम साधना काल में तो पहनी हुई रख ही सकते हैं। साधना काल में इसको पहनना जरूरी है, जब ये साधना करें तब, उसके बाद में वापस उतार कर रख सकते हैं इस यंत्र के पास में। यज्ञ पुरुष जो पहना है आप पहने रहें, और नहीं पहन सकते हैं या नहीं पहनते हो तो खोल करके पूजा स्थान में रख दीजिए। दो बात हो गई। तीसरी बात, सिद्धि माला या विद्युत माला या अकीक माला, तीन माला चलती हैं, सिद्धि माला या विद्युत माला एक ही होती है, इसको सिद्धि माला कहते हैं, विद्युत माला कहते हैं, या अकीक माला, उस मंत्र उससे इसकी 11 माला मंत्र जाप करना। मंत्र छोटा है तो मुश्किल से 20 मिनट लगेंगे, 25 मिनट लगेंगे, शुरू में 30 मिनट लगेंगे, फिर 25 मिनट लगेंगे, 20 मिनट में 11 माला हो जाएंगी, आधा घंटा लगेगा, 35 मिनट लगेंगे। उसको धोती पहन करके और दुपट्टा ओढ़ करके, कुर्ता नहीं हो, कच्छा नहीं हो, बनियान नहीं हो, केवल दुपट्टा होगी और धोती होगी, शिलाव अवस्था नहीं होना चाहिए, मतलब इसके सामने इस मंत्र का जप करना है आपको 11 माला सिर्फ, और 11 दिन तक करना है, 11 माला रोज 11 दिन तक। सामने तेल का दीपक लगना चाहिए, और यदि यात्रा में है तो आप दूसरे दिन दो दिए लगा दें और 11-22 माला कर दें, तो यथासंभव 11 माला रेगुलर होनी चाहिए। जैसे आप गए और किसी फिरूज के पास चले गए, वहां जाकर रात को कर लीजिए, तो उसमें कोई दोष नहीं, यंत्र साथ में होना चाहिए, माला साथ में होनी चाहिए, और नहीं तो वापस आके दो माला कर ले। ऐसा नहीं हो कि आप 10 दिन बाहर रहे फिर 1-7-10 माला, ऐसा नहीं कर सकते। और बीच में एमसी पीरियड आता हो तो एमसी पीरियड खत्म होने पर शुरू करें, बीच में एमसी पीरियड नहीं आना चाहिए, ये दूसरी बात है। उसके बाद में 12वें दिन इस यंत्र को और उस माला को, जिस माला से मंत्र जाप किया है वो आप नदी में प्रवाहित कर देंगे, इस यंत्र को और उस माला को, जिस माला से मंत्र जाप किया है वरुण देवता को प्रवाहित कर देंगे, जिससे कि वह लक्ष्मी के पास वह सामग्री पहुंच सके, उसके माध्यम से आपको सफलता मिल सके, एक चैनल बनता है। और उसके बाद 11 दिन बाद इस माला को भी प्रवाहित करते हैं, 11 दिन पहले वो, उसके बाद 11 दिन बाद ये, 12 दिन हो 13 दिन हो जो पहनी हुई माला है वो पहनते, उसके बाद भी 11 दिन तक पहने रखनी है। वो इसका मतलब हुआ कि ये माला आपको 22 दिन पहननी है, वह माला 11 दिन मंत्र जाप करना है, 12 दिन वह माला और यंत्र विसर्जित करना है, ये कुटी का आज ही विसर्जित कर देनी है, और 12 दिन ये यज्ञोपवीत, ये यंत्र और माला प्रवाहित कर देनी है, 22 दिन या 23 दिन या 24 दिन ये माला प्रवाहित कर देनी है। अरे दुख होता है थोड़ा कि माला लिए प्रवाहित कर दें, ये गुरु जी ने क्या आज्ञा दे दी, ये थोड़ा दुख तो होता है, दुख होता है, मगर आप वरुण देवता को देंगे नहीं तो उस देवता तक पहुंचेगा कैसे, कौन ले जाएगा वहां तक, इसके लिए विधान, जो विधान है यानी आपको ले जाने के लिए या बस होगी या टैक्सी होगी या दो पांव होंगे, कौन कोई चीज होगी जो आपको यहां तक लाएगी, और आप नहीं चलेंगे नहीं बस, और हो जाना चाहिए साधना, एक चैनल बननी चाहिए। ये क्रम है मेरा, मैं आप सुनेंगे मंत्र, सीधा मंत्र है और सबसे सरल मंत्र है ये सावन मंत्र, और अपने आप में पूर्ण शुद्ध मंत्र है, अद्भुत मंत्र है मेरा, मैं आप पूरी बात सुन, तेल का दीपक होना चाहिए, तेल कोई भी हो मगर उतने देर तक ही दिया जले जब तक मंत्र जाप कर रहे हैं, ऐसे नहीं अखंड दीपक करने की जरूरत नहीं है, हो सकता है 10-15 मिनट ज्यादा जल जाए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने कहा 24 घंटे में आप कभी भी कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नियम है नहीं, जो नियम थे वो बता दिए, इसके अलावा मन में कोई कंफ्यूज नहीं करें, दिशा पूर्व होनी चाहिए, दक्षिण होनी चाहिए, तिरछा बैठना है, सीधा बैठना है, पालकी मान ली नहीं मान ली है, ये इसमें बहुत महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है। महत्वपूर्ण तथ्य है मंत्र जाप
और मैत्र प्रवृत्ति है दीपक, मैत्र प्रवृत्ति है शुद्धता से बोलना।